महान लोगों की जीवन गाथाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ व उन्नत बना सकते हैं और इस प्रतिज्ञा से कूच करते हुए समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ संभव है। हम अपने आप को जितना आंकते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प से हर चीज़ हासिल की जा सकती है, बस हमें अपने अंदर से वो अदम्य साहस ढूंढ निकालना होगा जिसके आगे कोई कमी ना दिखे, सिर्फ लक्ष्य ही नजर आए। यह कहानी है डॉक्टर गैलन कैनिंगम की, यह उनके जीवन की सत्य कथा है। एक छोटे से शहर के एक विद्यालय भवन में अचानक आग लग गई जिसमें एक 8 वर्षीय बालक गैलन कैनिंगम बुरी तरह से जल गया। वह आग की लपटों से घिरा पड़ा था। उसे अर्धमृत अवस्था में खींचकर बाहर निकाला गया। उसके शरीर का आधा नीचे का भाग पूरी तरह से झुलस गया था। उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। बुरी तरह से झुलसे उस अर्धचेतन बालक ने बिस्तर से डॉक्टर को अपनी माँ से धीमी आवाज में कहते सुना, वे कह रहे थे कि उनका बेटा निश्चित जीवित नहीं रह पाएगा। वह इसलिए कह रहे थे क्योंकि भयानक आग ने उसके शरीर का निचला भाग को बर्बाद कर दिया था। लेकिन वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। किसी डॉक्टर के लिए आश्चर्यजनक रूप से वह निश्चित ही जीवित रहा। जब मरने का खतरा टल गया तो उसने दोबारा डॉक्टर को माँ से धीमे स्वर में बात करते हुए सुना, चूंकि आग ने शरीर के निचले भाग को नष्ट कर दिया है, इससे बेहतर होता कि वह मर गया होता। वह आजीवन अपंग रहने को अभी शब्द तो रहेगा तथा अपने नीचे के अवयवों का उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। एक बार फिर उस बहादुर बालक ने निश्चय किया कि वह अपंग नहीं रहेगा, वह चलेगा फिरेगा, किंतु दुर्भाग्य से उसके कमर के नीचे के हिस्से में घूमने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसके पतले पैर लटकते थे किंतु निर्जीव थे। आखिरकार उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बालक की माँ प्रतिदिन उसकी नन्ही टांगों की मालिश करती, लेकिन कुछ महसूस न होता, कोई नियंत्रण नहीं था। तो भी उसका दृढ़ निश्चय कि वह हमेशा की तरह चलेगा फिरेगा। जब वह बिस्तर पर न होता तो व्हील चेयर में बंधा होता। एक धूपदार दिन उसकी माँ उसे ताजी हवा दिलाने के लिए बाहर खुली जगह में लेकर गई। उस दिन व्हील चेयर में बैठे रहने के बजाय उसने अपने आप को चेयर से बाहर फेंक दिया। वह घास के पार अपने को खींचने लगा। उसकी टांगें उसके पीछे घिसट रही थी। उसने अपने घर की सफ़ेद नोकदार वाली बाड़ तक अपना रास्ता तय किया। बड़ी कोशिश से उसने अपने आप को बाड़ के ऊपर बिठाया, फिर एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक अपने आप को बाढ़ के साथ साथ खींचना शुरू किया। उसने निश्चय किया कि वह चलेगा। उसने रोज ऐसा करना जारी रखा जब तक कि वह बाढ़ के बाजू में चारों ओर आसानी से चल फिर न सका। उसे अपने पैरों में जीवन विकसित करने के अलावा कोई इच्छा न थी। अंततः प्रतिदिन की मालिश और उसकी लौह लगन से उसने खड़े रहने की क्षमता प्राप्त कर ली, फिर रुक रुक कर चलने की, फिर स्वयं अकेले चलने की और बाद में दौड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली। वह पहले तो स्कूल चलकर जाने लगा, फिर दौड़कर, फिर तो उसे दौड़ने में आनंद आने लगा। फिर कॉलेज में उसने ट्रैक में दौड़ने की टीम में भाग लिया और कुछ दिन बाद 1934 में वह नवयुवक जिसके जीने की भी संभावना नहीं थी, जो निश्चित ही कभी चलने लायक न रहने वाला था, जिसके दौड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह दृढ़ निश्चयी युवक डॉक्टर ग्लेन कैनिंगम विश्व के सबसे तेज मील धावक बने। यह कहानी बहुत प्रेरणादायक है, जो यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, जब आप यह निश्चय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें अपना गोल अचीव करना है, तो यह संकल्प हमें सफल बनाता है। इस संकल्प को निरंतर बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।